अस्सलाम वालेकुम। शमा की दुनिया में मैं आज आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुर्ते को अल्ट्रेशन करना बताऊंगी। इस अल्ट्रेशन में जब कभी भी हम मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं, हमें एक्सल की ज़रूरत होती है और डबल एक्सल वाला ही पसंद आ जाता है, तो उस ड्रेस को हम अपने लायक किस तरह से बनाएं, ये इस वीडियोज़ में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे पहले की वीडियो में आप सर्च कीजिएगा, मैंने बताया है कि तैयार कुर्ते से मेजरमेंट कैसे लेना, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मेजरमेंट लेना, उसके नाप से ही हम इस कुर्ते को मैं मेजरमेंट करना बताऊँगी। समय की कमी के कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पहले से ही इसको उल्टा करके रखा है। उल्टे के बाद आप थोड़ा हल्का सा यहाँ से हिप के यहाँ से दोनों तरफ से खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इसको डबल कर लीजिए और इसको सही साठ जमा लीजिए। जमाने के बाद आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको मेजरमेंट जो आपके पास लिखा हुआ है अपने कुर्ते के नाप का, उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या चीज़ इसमें बढ़ रही है। बढ़ने के बाद ही आप इसके अंदर निशान लगा पता कर पाएंगे कि आपको कितना इसको अंदर सिलाई में लेना है। इसके लिए अगर इसमें इस तरह से अगर आप शुरू शुरू बिगन ऐसे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस नहीं आता है, कपड़ा खसकने का डर है, तो आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मेजरमेंट है कुर्ते का कंधे हैं 14, तो 14 आप ले लीजिए। और आपको लग रहा है कि ये आपका मेजरमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको शोल्डर भी छोटे करना होंगे, नहीं तो ये आपके कंधे पे से लटकेंगे। तो इसके लिए मैं सही तरीका, बिल्कुल सरल तरीका भी बताना चाहती हूँ। एक तो पूरा कुर्ती यहाँ से यहाँ तक खुलकर अल्ट्रेशन होता है, जो काफ़ी बड़ा होता है, जिसे सिलाई में दबाकर करने की गुंजाइश नहीं होती है और फिनिशिंग लाने के लिए पूरा खोलना पड़ता है। पर मैं आज आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, इसके बाद आपको पूरी कुर्ती खोल कर बताऊँगी कि उसको किस तरह से अपने लायक बॉडी स्ट्रक्चर के लायक बनाना पड़ता है। तो अभी इसमें केवल आधा आधा इंच का दबाव देना है। इस सिलाई में हमें आधा आधा इंच का दबाव देना है, गोलाई से सिलाई मशीन पर आधा आधा इंच का आप दबाव दीजिए, जिससे कंधे की भी लंबाई कम हो जाएगी, प्लस में आपका ये हिस्से का भी कंधा भी में भी गोलाई में भी छोटापन आ जाएगा। बाद में बसता है ये आपका, तो इसमें आप नापिए। अगर आपका नाप आधा इंच ऊपर जा रहा है मेरा, तो आधा इंच के लिए इसमें आधे इंच का हम इस तरह से उठाकर दबाव देंगे। तो कहाँ से दबाव देंगे ये अस्तिन में भी आपको नोटिस करना है। अगर अस्तिन की चौड़ाई भी आपके नाप से ज़्यादा जा रही है, तो आप सिलाई यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ ला के मिला देंगे। अगर शोल्डर आपका आधा इंच फोल्ड करने पर सेम आ रहा है, तो यहाँ ला के रुक जाएंगे, यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके इसको गोलाई से ला कर यहाँ पर छोड़ देंगे, इतनी दूरी पर छोड़ देंगे। इस तरह से इधर भी करेंगे और साथ ही साथ जब आपका ये हिस्सा जो खुला हुआ यहाँ लाकर छोड़ देंगे, फिर इसी हिस्से को आप यहीं कहीं मोड़ देंगे। जब दामन में इस हिस्से को हम दोनों तरफ से इतना इतना उठेंगे, तो ये एक इंच अपने आप दामन भी छोटा हो जाएगा, हिप में भी एक इंच का फर्क आ जाएगा, आपकी कमर में भी आ जाएगा, चेस्ट में भी एक इंच का फर्क आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये कुर्ता पूरा आपके हिसाब से तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है गला भी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको गले में हल्का सा यहाँ से टक्स लेना होगा, हल्का सा यहाँ और यहाँ कर दीजिए, इससे गले की लंबाई भी आपकी छोटी हो जाएगी और प्लस में गला भी छोटा हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। इसके आगे की वीडियोस में मैं आपको कंधों का नाप लेना और उसका मेजरमेंट लेना कुर्ती पर कैसा होता है, ये अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं सिलाई क्लास 1 ली थी, जिसमें मैंने आपको तुरपी करना बताया था। अगर बिगनर से हैं जिनने सिलाई अभी सीखना स्टार्ट किया है, वो इन छोटे छोटे से वीडियो को देखें। केवल दो दो मिनट के वीडियो से हैं, तो दो मिनट से ही आप अपना नॉलेज बहुत कुछ सिलाई के विषय में बढ़ा सकते हैं, इसलिए इससे पहले का वीडियो भी मेरा देखें। और आने वाले वीडियो में मैं आपको कंधे का मेजरमेंट लेना बताऊँगी और उसे कपड़े पर किस तरह से नापा जाता है, ये चीज़ बताऊँगी। इसलिए मेरे वीडियोज़ पर बने रहिए और आने वाले और मेरे वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का लाइकिन का बटन भी क्लिक करें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस में और किस क्या देखना पसंद है और क्या देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।